सर्केस और ओफिलिया मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। अपना ख्याल रखो भाई, शहंशाह के आदमी आए हैं, वो शहजादी को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें यहाँ पाया। शहजादी आप फिक्र न करें, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। मेरे पीछे आइए। फिर ये रास्ता बंद कैसे है? ये रास्ता इख्तिताम है शहजादी ओफेलिया का। इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन मैं शहंशाह से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसको धमकी दे रहे हो? जब मेरे बाबा की तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम लोगों को इन सब का जरूर हिसाब देना होगा। शहजादी ओफेलिया, मैं यहां तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। कौन हो तुम? मैं ओलोफ हूं, शहंशाह का काबिले एतमाद कमांडर। बगावत शुरू हो गई अपने साथ वाले गद्दार के साथ, और अब यहां सब खत्म हो जाएगा। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता ओलोफ। मैं नहीं जानता तुम किसके साथ हो। मेरे होते हुए शहजादी को कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी होगी।
तुम इसकी कीमत अदा करोगे। आज तुम कीमत अदा करोगे। मेरी कुल्हाड़ी जहां भी चलती है वो तुमको ही ढूंढती है उस्मान। तुम हमेशा अपनी कुल्हाड़ी अच्छाई की तरफ उठाते हो। तुमने उक्ताम का साथ दिया और अब गद्दार शहजादी का साथ दे रहे हो। वो जो हक पर होते हैं वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते हैं। आ जाओ। ये आपकी जाने में मदद करेंगे। भाइयों, ये भागने ना पाए समझे। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम नहीं जाओगे यहाँ से। जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ यहीं रहूंगा। अच्छा, आओ सर। जहाँ शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा वो नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। मेरी आग तुम्हें जला देगी उस्मान। तुम हो कौन? किसके लिए काम करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अगर मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान। तुम बाल भी पीका नहीं कर सकते मेरा। खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे सरकेस। मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने जिस मदद का जिक्र किया था क्या वो उस्मान है? हाँ, और उन्हीं की मदद हासिल है। लेकिन मेरे बाबा, उनकी तरफ से कोई खबर है? वो जिंदा है ना? अगर शहंशाह मर गए होते तो लाजिम तक पर हमला हो चुका होता। वो आ रहे हैं। इस बारे में मत सोचो शहजादी। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शहंशाह के हमलावर को ढूंढ लूंगा। आप और आपके बाबा बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे यकीन है तुम पर सरकेस। रुक जाओ, भागो नहीं, रुक जाओ, पकड़ो इन्हें। उस्मान नहीं रुकेगा, वो आज रात कुछ करेगा। तुम उसकी साय की तरह पैरवी करोगे। तो आपके दिमाग में क्या है ओलुफ? ओडेन कुर्बानी मांगता है, लेकिन मुझे इंतकाम चाहिए। गौर से सुनो, जब उस्मान महल से निकलेगा तो मारा जाएगा। उस्मान को मारने का मतलब शहंशाह को अपना दुश्मन बनाना है, जानते हैं ना? मैं जिसे चाहता हूं
अपना दुश्मन बना लेता हूँ, लेकिन मैं उस्मान को नहीं मारूंगा। वो फेलिया उसे मार डालेगी। वो शैतान ओफेलिया, वो ऐसी शैतान है कि उसने अपने बाबा को जहर दिया, अब उस्मान को कत्ल करेगी। यहां हमसे भी बदतर लोग हैं, हमसे भी बदतर लोग। आओ गले लग जाओ मेरे। मेरे भाइयों, दूर रहना क्या मुश्किल है घर से? मुश्किल नहीं अगर कोई मकसद हो। हम अपने फर्ज की अहमियत को जानते हैं। हम शहंशाह को देख रहे हैं। हमें सिर्फ बेवकूफों पर नजर रखनी है ताकि हमारी फतेह आसान हो। मशरिक और मगरिब में हमारे सिपाही मौजूद हैं। इंसान के पास अगर अकल है तो वो ताकतवर भी है। हमारी सरजमीनों में उठने वाले फितनों का भी ताल्लुक यहीं से है, और ये सरजमीनें हमारा घर है, याद रखो। अब ये बताओ मुझे, वो ओफेलिया कैसी है? वो डर रही है। उस पर अपने बाबा को कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। ओलुफ और शहनशाह उसकी जान लेना चाहते हैं। उसे हमारे पास महफूज होना चाहिए। उसे यानी शहर लेकर जाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वो कसूरवार है या फिर मासूम है। जनाब, शहजादी काफी अरसे से मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक शिकार है मेरे हुजूर। कौनूर, हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे यकीन करना शुरू कर दिया होता तो औक्तम साहब को मैं जान से मार भी चुका होता। ये रास्तों का नक्शा है। तुरहान, ओलुफ क्या कर रहा है ये बताओ जरा। जैसा कि आपने बताया था, हमने उसे देखा है। वो घात लगाने का मंसूबा बना रहा है। यहां सिपाहियों की तादाद कम है, हमले के लिए मौजू है। वो यहां से हमला करेगा। वो आपके लिए आ रहा है। तो ठीक है, हम उसकी तरफ जाएंगे और पट्टा किसका है उसके गले में ये जानेंगे। वो मुकम्मल तौर पे लाइल है। उसे लगता है कि मैं यहां पर अकेला होऊंगा। वो यही सोचता रहे, अच्छा होगा हमारे लिए। आगे आपके लिए बहुत खतरा है। भेड़िया कभी तनहा नहीं होता। ठीक है, मजीद मत छुपाइए। अब शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। ताजर वासिरलेस, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। और इनसे मिले। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं उस्मान साहब। जो बीज हमने पहले बोया अब उसे हासिल करेंगे। ये तंजीम साजी हमारी उम्रों से कहीं बढ़कर है। अगर मेरे रब ने चाहा तो ये नस्ल दर नस्ल हमें बाख्तियार बनाती रहेगी। मेरे 3 बच्चे हैं उस्मान साहब, वो सब हमारे मकसद की तकमील के लिए परवान चढ़ाए जा रहे हैं। माशाल्लाह, जो घर में अमन चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो दुश्मन पर नजर रखे। आप सबका शुक्रिया। याद रहे कि दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। तैयारी शुरू कर दी जाए।